काशी की यादव बेटी ने बढ़ा दिया प्रदेश का सम्मान, अपनी दोस्त के साथ पा लिया सबसे खास मुकाम। हॉकी में दम दिखाएगी, हिंदुस्तान को विजेता बनाएगी, ठान लिया है करना ही है ऐसा काम। दोनों के चयन से प्रदेश में खुशी, नीदरलैंड के लिए रवाना होने की शुरू हो गई तैयारी। पूर्णिमा यादव और कोमल पाल की संघर्ष की दास्तान भी आई सामने, घर वालों ने भूखे रहकर भी खेलने के लिए किया प्रोत्साहित। यूपी की छोरियां एक के बाद एक कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं और देश के साथ साथ प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं। इसी कड़ी में अब भोलेनाथ की नगरी काशी की दो लड़कियों ने आज अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा कर लिया है। गरीब परिवार की इन दोनों बेटियों पूर्णिमा यादव और कोमल पाल ने भारतीय महिला हॉकी टीम में स्थान पक्का किया है। नीदरलैंड दौरे के लिए घोषित हॉकी टीम में दोनों को शामिल किया गया है। पूर्णिमा के पिता जहां दूध का कारोबार करते हैं, वहीं कोमल के पिता भी दूध के कारोबार से ही जुड़े हुए हैं। दोनों बेटियां हरुआ के करोमा में स्थित विवेक सिंह हॉकी अकादमी में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। नीदरलैंड के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम का सोमवार को चयन किया गया था। इस टीम में भारत की 20 महिला खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के बनारस जिले के चक्का गाँव की रहने वाली पूर्णिमा यादव और रामेश्वर तीर्थ से सटे इंदर खापुर की कोमल पाल को शामिल किया गया है। पूर्णिमा यादव एक गरीब परिवार की बेटी हैं और पूरा गांव उनके चयन को अब अपना सौभाग्य बता रहा है और उम्मीद कर रहा है कि बेटी को खेलने का मौका मिलेगा तो वो निश्चित तौर पर टीम इंडिया को जीत की राह पर आगे बढ़ाएंगी। पूर्णिमा यादव उत्तर प्रदेश की सब जूनियर टीम की कप्तानी कर चुकी है और फॉरवर्ड पोजिशन में खेलती है। पूर्णिमा को जानने वाले लोगों का कहना है कि इससे पहले खेले गए मैचों में पूर्णिमा का प्रदर्शन काफी शानदार था, यही वजह है कि उन्हें महिला हॉकी टीम में चयनित किया गया है। इसी तरह कोमल पाल को भी नेशनल टीम में जगह मिली है। उनके कोच सुधीर बताते हैं कि कोमल की गेंद पर पकड़ बेहतरीन है। उनके पिता दूध के कारोबार के जरिए घर का भरण पोषण करते रहे हैं और अपनी बेटी को हॉकी खेलने के लिए प्रोत्साहित भी करते रहे हैं। बेटी का चयन भारतीय टीम में होने के बाद दोनों परिवारों में खुशी का माहौल है। कोच को विश्वास है कि दोनों ही खिलाड़ी अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखेंगे और नीदरलैंड से जीत हासिल करके ही वापस लौटेंगे। पूरे गांव के साथ साथ पूरा काशी भी दोनों बेटियों को जीत का आशीर्वाद दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।